जैन दोस्तों, मैं आरक्षक सुंदरलाल मोहर, जिला पुलिस लाइन नीमच, मध्य प्रदेश। दोस्तों, हमारे एसएसबी की जवान रवीना शर्मा उपस्थित है, जो अच्छे बहुत ही अच्छे स्तर पे है, जो स्पोर्ट्समैन है एसएसबी में, जिनने नेशनल में अच्छी उपलब्धि हासिल करी है। तो दोस्तों, आपको ये वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं उसके बारे में बताएंगे। आइए शर्मा जी। नमस्कार, मैं रवीना शर्मा, चंद्र प्रकाश जी शर्मा जो पिताजी, मैं पास के गांव रेवली देवली से हूँ और मैंने 12th एक्सीलेंस स्कूल जो नीमच, वहाँ से किया है। स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स से मेरा ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि एक गांव में होने के बाद जो सुविधाएं वगैरह इतनी मिलती नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि स्पोर्ट्स में इतना अच्छा भी कुछ मिल सकता है या जॉब भी उसके थ्रू हो सकती है। बट मैं उत्कृष्ट स्कूल में शूटिंग एज अ नॉर्मली स्टार्ट किया था, बट वहाँ के उस टाइम के प्रिंसिपल सर थे सीके शर्मा सर, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हो अगर आप मेहनत करते हो तो। लेकिन उस टाइम मेरे पास इतनी अच्छी सुविधाएं थी नहीं, और एक छोटे से गांव से थी, तो वहाँ से आना और पढ़ाई भी करना उसके साथ, क्योंकि ऐसा पता नहीं था कि स्पोर्ट्स से ही जॉब मिल सकती है, तो ये था कि पढ़ाई भी करनी है साथ में। तो उसके बाद साथ में मेरे फैमिली पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है करो, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया कि स्कूल नेशनल में मैंने जब मेडल लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि भोपाल एक एकेडमी है जहाँ अगर आप स्पोर्ट्स आपको कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं। तो 12th क्लियर करने के बाद 2012 में मैंने स्पोर्ट्स एकेडमी भोपाल ज्वाइन करी। देन उसके बाद 2012 से 16 तक मैं स्पोर्ट्स एकेडमी भोपाल में रही हूँ। उसके बाद 2017 जनवरी में मैंने SSB ज्वाइन किया है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है SSB। पहले मैं मध्य प्रदेश को का प्रतिनिधित्व करती थी नेशनल में, और आज मैं SSB जो सशस्त्र सीमा बल है उसका प्रतिनिधित्व करती हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया। आपको क्या सीख मिलती है, क्या मिलता है बताओ। अरे आपके पास सुविधा है, इनके पास उस समय कोई सुविधा नहीं थी, भोपाल जाना पड़ा था। सीखा? यस सर।